हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 है। सेल कांस्टेंट जी स्टार से इसको इंडिकेट करते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एल से इंडिकेट किया है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ई। फॉर अ पर्टिकुलर सेल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट। देयरफॉर जी स्टार इक्वल टू एल अपॉन ए। यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट मीटर इनवर्स। ऑलवेज यूज यूनिट ऑफ जी स्टार इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी। लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन। वी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस फ्रॉम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन। वेन द इलेक्ट्रोड आर 1 सेंटीमीटर अपर्ड एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज ए लार्ज, सो दैट ऑल द सॉल्यूशन इज कंटेन बिटवीन देम। फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, और लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, वे कैपिटल एम और सी इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो कैपिटल एम और सी है इसकी जगह मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। अगला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी अ करेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होगी। कब होता है? जब आयन का कंसेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी अ करेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट जो उसका वॉल्यूम होगा आयनों का वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जिससे क्या होता है करंट को कैरी करने में दिक्कत होगी, कम आयन्स। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कब? जब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये पेपर में आता है डिबाई हगल आसंगर इक्वेशन। लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, वेयर ये इक्वेशन याद रखनी है डिबाई हगल आसंगर इक्वेशन, वेयर लेमडा एम इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी
और यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैपिटल ए का मतलब होता है, कैपिटल ए इज अ कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब जो लेमडा नॉट एम लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, तो प्रीवियस वीडियो में हमने मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ा, अब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा नॉट एम। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है, पूछा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आपने लर्न रखना है। एट अप्रोक्स जीरो कंसंट्रेशन, कि जीरो कंसंट्रेशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल सा है, एट अप्रोक्स जीरो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इफ मोलर कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट अंडर रूट सी, द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन। स्लोप यानी से इंटरसेप्ट लेमडा नॉट एम, लेमडा एम और अंडर रूट सी कंसंट्रेशन है, इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, और केसीएल का यहाँ ये ग्राफ मिल रहा है। द कर्व ऑब्टेन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो दैट देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। ठीक है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन सेम बट इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, दस कर्व ऑब्टेन। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है, जो कर्व है स्मॉल इंक्रीज हो रहा है इन कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ आयन्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ आयन्स तो क्या है सेम है, बट देयर इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन में। अब ऐसा ही अगर अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये के सी एल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और CH3COH क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है, क्योंकि वीक एसिड है। अब वीक एसिड के उसमें क्या हो रहा है, पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है। दस कर्व ऑब्टेंड फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सो दैट देयर इज अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, दिस इज बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या शो कर रहा है, वेरी लार्ज इंक्रीज हो रहा है कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन से, दिस इज बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये है।